नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अपना नाम बताओ भाई साहब। इसका नाम है लव चौहान उर्फ प्रियांश। क्या नाम है? लव्वू उर्फ प्रियांश। उर्फ प्रियांश, हाँ। आज हम दोनों वीडियो में फीचर होंगे और आज मैं रिव्यू करूंगा मूवी अनपॉज्ड को, जो कि आई है अमेजोन प्राइम पे। ये मूवी जो है 1.5 घंटे की है, 1 घंटा 45 मिनट की, और 5 पार्ट है इस मूवी के। ये इस मूवी की खासियत है, जैसे कि बहुत पहले आई थी घोस्ट स्टोरीज जिसके 4 या 5 पार्ट थे, ऐसे इसके भी 5 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में इसमें है सायामी खेर और हमारा बहुत बढ़िया सा एक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है, नाम मुझे क्लियर नहीं पता है, हंटर मूवी का जो लीड। तो इन दोनों की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि कोविड 30 हो चुका है, कोविड 30 हो चुका है, ठीक है। और अभी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, वर्चुअल डेटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसमें ये वर्चुअल डेटिंग के थ्रू एक होता है हाइपो और एक होता है वॉरियर। तो सायामी खेर जो है वो वॉरियर है और जो दूसरा ये लड़का है ये हाइपो है। ये अपने घर में हाउस अरेस्ट रहता है, बाहर नहीं निकलता है, सारी चीज़ें लेता है, बहुत ज़्यादा हाइजीन मतलब सैनिटाइज ये सब करता रहता है। तो इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। सबसे बोरिंग पार्ट इस मूवी का यही है, जिसको देखने में मुझे मज़ा नहीं आया। मैं मूवी छोड़ने वाला था इस पार्ट को देख के, लेकिन मैंने कहा अब ये पार्ट वाइज बनी है तो देखते हैं। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। इनका क्या दिखाया गया, इनका दिखाया गया ये अलग अलग रहते हैं, इनकी फैमिली में कोई ज़्यादा लोग नहीं है। उसका भाई मर जाता है सायामी खेर का, तो ये वहाँ पहुँच जाता है, वहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दूसरा पार्ट है अपार्टमेंट की स्टोरी में ऋचा चड्ढा और दो लड़के और हैं, एक ऋचा चड्ढा का हस्बैंड और एक लड़का और है और एक सिक्योरिटी गार्ड, ये मेन भूमिका में है। तो ऋचा चड्ढा डिप्रेस हो चुकी है क्योंकि ऋचा चड्ढा का जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है और एंकर है, टीवी एंकर। और वो क्या करता है, जो उसकी लड़कियां होती हैं उससे 15-15 साल छोटी, उनको प्रपोजल देता है कि मैं तुम्हें ये बड़ी स्टोरी दूंगा, तुम मेरे साथ एक रात बिता लो। तो ऋचा चड्ढा को ये चीज़ पता लग जाती है, तो ऋचा चड्ढा इस चीज़ से बहुत डिप्रेस हो जाती है। डिप्रेस होकर वो फांसी लगाने जा रही होती है, तभी उसकी कुंडी खटकती है, एक लड़का आता है, बोलता है कि आपके गमलों से पानी चूरा है, आप उन गमलों को हटा लीजिए क्योंकि वो गमले बड़े हैं और अभी चटके हैं, पानी चूरा है, हो सकता है बाद में वो टूट जाए और मेरी बालकनी में आके गिर जाए और मुझे चोट भी लग सकती है। तो वो बोलती ठीक है, आई गेट इट डन, मैं इसे हटा दूँगी। उसके बाद में फिर वो बोलता है मैम मुझे पानी चाहिए, ठंडा पानी। एक्चुअली क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और उसकी वजह से हम अभी अलग हुए हैं, अभी शिफ्ट हुआ हूँ मैं इसमें आके। ऋचा चड्ढा पूछती हुई कि इसमें तो पहले सेना जी रहते थे, तो वो बोलती नहीं नहीं अभी मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ और उसने मुझे फ्रिज नहीं लाने दी जिसकी वजह से मेरे पास ठंडा पानी नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने घर से ठंडा पानी दे दीजिए। ऋचा चड्ढा उसको ठंडा पानी देती है, वो पानी पीता है, पानी पीने के बाद में वो दूध और पत्ते भी मांगता है और चला जाता है। कुछ देर के लिए बात क्या होती है ना, टाल मटोल हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड आता है, बोलता है मैम आप किसी की कॉल नहीं उठा रही हैं, आप ठीक हैं, आपके हस्बैंड की कॉल आई है, आप एक बार उनको कॉल कर लीजिए। फिर क्या होती है, ऋचा चड्ढा व्हाट्सएप पे वो लैपटॉप पे वीडियो कॉलिंग करती है, जिनमें प्रज्ञा नाम की एक लड़की होती है, वो ऋचा चड्ढा के हस्बैंड को भी लाइन पे लेके आती है। तो ऋचा चड्ढा कॉल को काट देती है और बाद में एक लड़की होती तिरसा नाम की, उस लड़की की वीडियो देख रही होती जिसमें वो बताती है कि सिन्हा सर ऐसे हैं, खन्ना सर ऐसे हैं और ऐसे हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सिखाते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, उन्होंने बोला ये स्टोरी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम करो। तो मैं शौक थी, लेकिन उन्होंने बोला बट लेट मी फक यू, उन्होंने ये चीज़ बोली। तो वो था, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है ये इंग्लिश में ये बल्कर बात बोल के इसको बहुत इन्होंने नॉर्मली दिखा दिया, और ये बात अगर हिंदी में बोल दी होती तो ये बहुत तगड़ी गाली हो जाती। तो ऋचा चड्ढा वो वीडियो को देखती है और फिर से फांसी लगाने चढ़ जाती है, तो फिर उसका दरवाज़ा जब खटकता है तो फिर से वही लड़का होता है, बोलता है आपने गमले हटाए नहीं, पानी टपक रहा है, तो गमले हटा दीजिए, गमले भारी होंगे, आप पे हट नहीं रहे, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो बोलती नहीं नहीं मैं हटा दूँगी, तो वो ज़बरदस्ती लड़का घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं घुसने देती है, वो चला जाता है।
चला जाता, तो फिर वो फाइनली बोलती चलो फांसी बाद में लटकेंगे, पहले गमले देखते हैं चल के कौन से गमले से पानी छू। गमला जब देखती तो किसी गमले से पानी नहीं टपक रहा था, ना कोई गमला टूटा हुआ था, तो उसको डाउट होता है। फिर वो नीचे रिसेप्शन पे कॉल लगाती है, रिसेप्शन से गार्ड बोलता है कि 901 तो कब का खाली पड़ा है। फिर उसको गुस्सा आती है, तो वो देखती है सामने वाली बिल्डिंग का लड़का था, तो ये गार्ड से बोलती पुलिस को बुलाओ, तो लड़का बोलता पुलिस को बुला लो। फिर ये बोलती बुलाओ पुलिस को, तो लड़का बोलता पुलिस को बुला लो। और वो बोलता है मिसेज खन्ना अगर आप पुलिस को बुलाएंगी तो पूछताछ मुझसे नहीं होगी, आपसे होगी, क्योंकि आप जो करने जा रही थी ना, पहले मैं ही पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं खुद आ गया वेट ना करके। और प्रॉब्लम सब वो एक लंबी लेक्चर देता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लेक्चर दे रहा था वो लेक्चर दे के। और ये मुझे लड़का लगता है जो अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन के अंतर्गत आई थी ना पाताल लोक, जिसमें वो पंजाबी लड़का बना था, ये मुझे वो लड़का लग रहा था। हाँ, तो जब ये लेक्चर देता है, लेक्चर में वो जैसे ऋचा चड्ढा को समझ में आता है, तो ऋचा चड्ढा ऊपर जाती है, फिर वो नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर आता है रेट एट टैट, पता नहीं रेट टैट ऐसे करके आता है। तो इसमें सायराट वाली हीरोइन है और एक बूढ़ी अम्मा है, मतलब वो भी अकेली रह रही होती है और अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने कई फिल्मों में देखा है। तो वो बड़ा खड़ूस बुढ़िया बनी है, तो मोदी जी ने जो थाली पटकवाई थी ना कि आप अपने घर पे थाली बजा के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबका मनोबल बढ़ाएं, तो एक बंदा 5 बजे वो थाली बजा रहा था, 5 बजे या 5 बजे तक जो थाली बजा रहा वो बजा रहा है, और ये पुलिस को कॉल कर रही है कि ये बंदा थाली बजा रहा है और मेरे साथ फटा जा रहा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं मैम हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम कोरोना वॉरियर हैं, हमारे पास बहुत और केस हैं, आप हमको ऐसे परेशान मत कीजिए, हम नहीं आ रहे हैं। और वो बंद कर देगा, अभी 5 बजा नहीं है, उसने मास्क नहीं लगाया है। वो बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं, ये बुढ़िया परेशान होती है और बोलती नहीं ये नहीं किया, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं मर जाऊँगी तब आओगे तुम, तो वो तो नहीं आते हैं, पुलिस वाले टाल देते हैं इसको। तो बाद में घंटी बजती है नेक्स्ट डे, लेकिन क्या होता है गुस्से में जाके अपने चश्मे पर बैठ जाती, तो चश्मा टूट जाता है इसका, तो वो चश्मे को संभाल रही होती तभी इसकी घंटी बजती, तो देखते सामने लड़की खड़ी होती, तो वो लड़की से बोलती तुमने घंटी कैसे बजाई, मतलब उसका मतलब भी था तुमने घंटी बजाई, घंटी पे कोरोना छोड़ दिया तुमने, या विषाणु जा सकते हैं, कीटाणु जा सकते हैं। तो वो बोलती है आंटी जी, तो बोलते आंटी नहीं मैम बोलो, तो बोलती मैम मैं नीचे जा रही थी सारे सीनियर सिटीजन के लिए सामान लेने और अपना सामान भी लेने, अगर आपको कुछ मंगाना तो बता दो। तो वो बोलती तुमको लगता है कि मुझे किसी सामान की ज़रूरत है, तो वो चली जाती है। रात में जब ये सो रही होती तो बारिश हो रही होती है, उसके घर में चूहा निकल आता है, वो चूहा निकल आता है तो वो खटरपटर कर रही होती, तो बोलती है वो सारे घर के बर्तन आज ही फेंकोगी क्या, तो बोलती मेरे घर में चूहा है नेवले के बराबर, मैं चूहे से बहुत डरती हूँ। तो ऐसे करके इनकी बातचीत चालू होती है, और बातचीत होते होते इनकी अपनी पर्सनल परेशानियाँ सब कुछ होता है, और बाद में ये भी मिल जाते हैं, मतलब कोरोना टाइम में चाहे कितना भी खड़ूस हो सब आपस में मिले हैं, ये दिखाया गया है, मतलब एक दूसरे का मिल के ही साथ काटा है, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था, तो जो आसपास थे बस उन्हीं से जान पहचान हुई है, लोगों को समझने का परखने का मौका मिला है। ये वाला पार्ट इस चीज़ का, और इससे पहले वाला पार्ट भी इस चीज़ का, हमको अपार्टमेंट और ये रेट टैट हमको इस चीज़ का क्या क्या करते हैं, ये सोने जा रहा है, इसको नींद आ रही है, बहुत टाइम हो चुका है इसको सोने, पूरे दिन सोया नहीं है, अभी नींद आएगी इसको। एक दूसरे से कैसे मिले हैं, कितने भी खड़ूस थे, कुछ भी थे, जब इतने दिन लॉकडाउन बढ़ता गया, तो इससे क्या कहते हैं इनको दिक्कत हुई, ये आपस में मिले। अब इसके बाद में पार्ट आता है विषाणु में दिखाया गया है हमारे अभिषेक बनर्जी हथौड़ा त्यागी दिखाया गया है। हथौड़ा त्यागी एक एम्बुलेंस वाले से बात करते हैं, वो पीछे बिठाता है, बोलता है मैं तुझे तेरे यहाँ छोड़ दूंगा, लेकिन 7,000 रुपये पर सवारी लगेगा, बच्चा तुझे गोद में बिठाना पड़ेगा जब तक मैं जाऊँगा लेके। तो वो बोलता है तो 14,000 रुपये उसके पास नहीं होता है। तो फिर दिखाया जाता है वो एक अपार्टमेंट में रह रहा होता है, बहुत बड़े फ्लैट में, जो खाली पड़ा होता है, मतलब सैंपल फ्लैट होता है एक तरह से, उसमें रह रहा होता है, उसकी बीवी भी उसमें होती है, बच्चा भी उसमें होता है, और वो प्रकाश नाम के किसी बंदे से पैसे मांग रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दे, क्योंकि प्रकाश पे 20,000 रुपये थे, और इनको टिकटॉक बनाने का शौक होता है, तो ये टिकटॉक बनाते हैं, एक वीडियो वायरल हो जाती है इनकी, तो वो प्रकाश भी देख लेता है, तो प्रकाश इसको हड़काता है कि साले तू सैंपल फ्लैट में रह रहा है, साले सब तेरा निकालता हूँ, तो साले भाई भाई करके मुझे ऐसे कर रहा है, वो गाली वाली देता है, तो ये डर जाता है। और इस दौरान इसकी भी परेशानी दिखाई गई है कि दूध नहीं होता है,
काम करने के लिए, कभी पेंटिंग कर रहा है, कभी इलेक्ट्रिक सर्किट संभाल रहा है, ट्रेन वाले से मिलता है जाके टिकट काट दो। हाँ, इस सब दौरान ये दिखाया गया एम्बुलेंस वाले ने तो 7,000 रुपये मांगे थे, मतलब अनाप शनाप पैसे, बाकी कोई बेमान नहीं था, इसमें ये दिखाया गया। तो उसकी बीवी की भी एक थोड़ी सी कहानी दिखाई गई है, तो और बच्चे की भी कहानी दिखाई गई है। लेकिन जब वो प्रकाश उसको फ़ोन करके हड़काता तो ये उसी दिन सारा सामान पैक करके निकल लेता है। तो सामने पुलिस होती है, वहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। फिर पांचवा पार्ट आता है चांद मुबारक, जिसमें है रत्ना साहब पाठक और सरदुल ठाकुर, लड़के का नाम सरदुल ठाकुर ही है, जो कि रफीक की भूमिका निभाई है। तो इसमें रत्ना पाठक सिंगल है, और सिंगल मतलब शादीवादी की नहीं है, इनका एक भाई होता है जुड़वा, उसकी फैमिली होती है, लेकिन इनकी कोई फैमिली नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल है। और ये कोई बीमारी है इनको, बीमारी मतलब 85 साल उम्र है तो बीमारी तो होगी होगी, जाहिर सी बात है सीनियर सिटीजन में। तो ये दवा लेने जा रही है, पुलिस वाले से बहस होती दिखाई गई, मैं दवा लेने जा रही हूँ, पुलिस वाला बोला 7 बजे के बाद मना है। तो फिर पुलिस वाला बोलता पैदल नहीं जाओगी, इस पर बैठ के जाओ ऑटो पे। तो एक ऑटो पे बैठा देते हैं, वो ऑटो वाला होता है रफीक। तो ऑटो वाला क्या होता है, उसको इनको अपोलो मेडिकल पे जाना होता है, तो वो साइड से निकाल देता है। तो बोलती है तू कहाँ से लेके जा रहा है, इनको लगता है ये चोर है, लेकिन वो सही रास्ते पे लेके जाता है, इनकी मदद करता है। उसकी फैमिली भी अलग होती है, इनकी कोई फैमिली नहीं होती है, इनके बीच में भेदभाव भी होते हैं। बाद में उसको समझ में आता है ऑटो वाले को कि मैंने गलत बोला है, तो वो इनसे सॉरी बोलता है आगे एक अपने तरीके से। इनको एक मीठी सिगरेट होती है जो बचपन में बच्चों के लिए होती है, नुकसानदायक नहीं होती, वो पसंद होती है। तो मैं इसको सुला के आता हूँ पहले। तो रत्ना पाठक साहब को भी लगता है कि ये ऑटो वाला ठीक है, और उसकी बातचीत भी समझ में आती है, तो उसको वो माफ़ कर देती हैं और उसके साथ एक ट्रिप पे जाती है। वहाँ उसको बताती हैं कि उमेश की डेथ हो गई मेरे भाई की। तो वो बोलता उमेश आपके भाई, हाँ जुड़वा भाई, और मैं उसमें जा नहीं सकी हॉस्पिटल देखने, उसको मुझे लगा जब उसकी डेथ हुई कि मेरा एक पार्ट अलग हो गया और मैं जा नहीं पाई, और अब मेरे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसका पार्ट एंड होता है जहाँ पर ये भाई बहन बन जाते हैं। वो बोलता है तुम मुझे या तो उमा दीदी बोलो या आपा बोलो। तो वो आपा बोलना चालू करता है, और वो अपने बच्चों को आवाज़ सुन पाता था, देख नहीं पाता था। तो रत्ना पाठक साहब उसको अपना फ़ोन दे देती हैं कि अब तुम बच्चों को देख भी सकते हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि वो फ़ोन तो दे देती हैं, इसको तो फ़ोन मिल जाता है, लेकिन ये तो गरीब था ना, ये तो खुद ही कॉलिंग वाले फ़ोन पे बात करता था, तो बीवी को कहाँ से फ़ोन दिलवाएगा, बीवी के पास तो नहीं था फ़ोन, तो वो देखेगा कैसे बच्चों को। बस ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ऐसा हो सकता है गांव में किसी का फ़ोन उससे फ़ोटो मंगवा ले। बाकी एकदम फंटास्टिक है, पहला पार्ट आपको बोरिंग लगेगा, बाकी के 4 पार्ट आप यूँ देख लेंगे, बहुत मज़ेदार हैं। तो मेरी समझ में सबको देखनी चाहिए, मज़ेदार है, कोरोना के टाइम की बनाई हुई है, लोगों की परेशानियाँ दिखाई गई हैं और सब कुछ दिखाया गया है। कंट्रोवर्सी भी कर सकते हो और चाहो तो, कि मुस्लिम ऑटो वाला वही अच्छा क्यों दिखाया गया, लेकिन क्या है ना, सारे मुस्लिम गलत नहीं, सारे हिंदू गलत नहीं, सारे सिख गलत नहीं है, सारी कोई भी कास्ट गलत नहीं है, कोई भी धर्म गलत नहीं है। कुछ लोग गलत होते हैं तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, तो ये अच्छे वाला दिखाया गया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया देखने में, मैं चाहता हूँ आप सब भी देखें। इसके साथ ही हम करेंगे अपना रिव्यू फिनिश और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।